नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग रहेगा। सभी सियासी दल अपनी गोटे बिछा रहे हैं, लेकिन इस बार यूपी का माहौल बदला सा है। 25 साल पहले अमेठी से सांसद बनी सोनिया गांधी भी 24 में यूपी के चुनावी रण में बतौर प्रत्याशी नहीं दिखेंगी। सोनिया 2004 से रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस बार उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। 2019 में कांग्रेस ने यूपी में यही इकलौती सीट जीती थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में तल्ख बयानों से सियासत गरमाने वाले आजम खां की जुबान भी इस बार खामोश रहेगी। आजम दो मामलों में सजायाफ्ता होने के कारण जेल में है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर सवाल नहीं बल्कि जवाब देती। 24 का चुनाव यूपी की राजनीति को 3 दशक तक चलाने वाले चेहरों के दिवंगत होने के चलते उपजी शून्यता का भी प्रमाण बनेगा। 3 दशक से हर लोकसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले रालोद के मुखिया रहे चौधरी अजीत सिंह का लगभग 3 साल पहले निधन हो गया। उनके बेटे जयंत इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। 1971 के बाद यह पहली बार है जब चौधरी खानदान का कोई चेहरा लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेगा। सपा पीडीए के जरिए मंडल और भाजपा राम मंदिर के जरिए कमंडल की राजनीति को फिर गरमाने में लगी है। तो देखिए, बीते दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और बीते दिन से देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा चुनावों की बात कर ले तो कांग्रेस महज एक ही सीट पर सिमट गई थी और इस बार उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदला सा नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं, जैसे कि राम मंदिर और धारा 370 को हटाया जाना। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी इस बार खेलती नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस का हाल इस बार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बावजूद इस बार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान वक्त से कांग्रेस नहीं कर पा रही। अब इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश से प्रधान संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो गढ़ मानी जाने वाली सीटें हैं, यानी कि रायबरेली अमेठी, यहां पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही। संशय की स्थिति लगातार बरकरार। जी बिल्कुल त्रिशा जी, देखिए यह चुनाव कल घोषित हो गया। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। समाजवादी पार्टी 40 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन 17 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना अभी तक प्रत्याशी नहीं तय कर पाई है। और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव अन्य चुनाव से अलग हटकर होने वाला है। चूंकि कम से कम 5 चुनाव से सोनिया गांधी रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा होगा कि गांधी परिवार से सोनिया गांधी रायबरेली से प्रत्याशी नहीं होंगी। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो सियासी हलकों में चर्चा है, उसके मुताबिक पहली बार ऐसा होगा कि रायबरेली अमेठी में किसी गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो पहली मर्तबा होने जा रही हैं। कांग्रेस के विरोध में समाजवादी पार्टी का उदय हुआ था 1991 में, उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 2017 में कांग्रेस से सपा ने गठबंधन किया और इस बार भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। और पिछली बार जब 19 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी पार्टी से सपा का गठबंधन था। सारी दुश्मनी भुलाकर मायावती और अखिलेश एक मंच पर आए थे, लेकिन इस बार यह भी नहीं देखने को मिलेगा। हां, इतना जरूर है कि इस बार कई धुरंधर चेहरे भी आपको मैदान में दिखेंगे। अजीत सिंह जो किसानों के नेता हुआ करते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति इस बार के लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं है। इसके अलावा हेट स्पीच के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता रहा है। तमाम बार ऐसे वाकया आए हैं जब निर्वाचन आयोग को एक्शन लेना पड़ा है। इस बार पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है 3 दशक के राजनीतिक कार्यकाल में कि आजम खां चुनाव मैदान में नहीं दिखेंगे, न प्रचार करते दिखेंगे, न तो किसी के लिए वोट मांगते दिखेंगे, न खुद मैदान में दिखेंगे, चूंकि वह जेल में बंद है।
हिंदू मंदिर राम मंदिर का झंडा बुलंद करने वाले कल्याण सिंह का निधन हो चुका है, और जिस तरह से पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात करते थे मुलायम सिंह यादव, वो भी नहीं है, उनका भी निधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर यह चुनाव एक तरह से नए सिरे से देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, लगभग 5 दशक के चुनाव के बाद पहली मर्तबा ऐसा होगा कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से राम मंदिर मुद्दे पर सवाल नहीं पूछेगा। नहीं तो हर चुनाव में कहा जाता था कि रामलला तो हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। तो पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है लगभग 50 सालों के बाद कि इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा तो रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रहेगा, वो भी दूसरी रूप में रहेगा। इस बार मंदिर बना हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी को उद्घाटन किया हुआ है। इस बार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल नहीं करेगा कि मंदिर कब बनाएंगे। इस चुनाव में यह विपक्ष बचते भी दिखेगा कि गाहे बगाहे किसी बहाने राम मंदिर की चर्चा उसके मुंह से न निकल जाए, क्योंकि अगर राम मंदिर की चर्चा निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है और बताएगी कि हमने राम मंदिर बनाया है, 45 दिन में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। तो नए नए मुद्दे हैं, नए नए तरीके, नए नए चेहरे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव के जो गढ़ है वहां भी प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना था आजमगढ़ से, वहां से अखिलेश यादव मैदान में नहीं आ रहे हैं, अपने भाई को धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। तो कई चीजें पहली बार मर्तबा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राम मंदिर पर सवाल पूछने वालों का इस बार टोटा रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। जी जी जी, जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि पार्टी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल जो है वो बनता नजर आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले शायद इस बार और आसानी बीजेपी को हो सकती है, क्योंकि कई मुद्दे हैं बीजेपी के पास इस बार, कई एजेंडे हैं, जैसे कि धारा 370 हटाई गई और राम मंदिर तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। इन दोनों एजेंडों पर इस बार बीजेपी खेलती नजर आएगी पूरी तरह से। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से जिस तरह से विपक्ष को पटकनी दे रही है, विपक्ष जितने भी मुद्दे उठाता है हवा हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बदौलत जनता के बीच जा रही है, चाहे सुलभ स्वच्छ शौचालय का मामला हो, हर घर शौचालय का हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर बिजली का मामला हो, हर घर जल नल से उपलब्ध कराने का मामला हो, तो इन सब मामलों लेके जा रही है। और सबसे बड़ा जो मामला है राम मंदिर का मामला है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में भले ही लाख दावे किए जाएं कि हम राम को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाते हैं, लेकिन इस बार राम राजनीति का मुद्दा रहेंगे, क्योंकि 22 जनवरी, और देखिए त्रिशा जी सबसे बड़ी बात, राम अभी भी राजनीति का मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होना था उस समय हर घर पर भगवा झंडा फहराया गया था, ऐसा अपील की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। अब वह झंडे भी एक कहीं कहीं मुद्दा बनने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हर घर पे जो भगवा लहराया जा रहा है उससे कहीं कहीं चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। अब निर्वाचन आयोग के सामने एक समस्या है कि यह चूंकि एक धार्मिक चिन्ह है, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे निर्वाचन आयोग जोड़े। और बात उतनी भी सही है कि जो लोगों ने झंडा फहराया हुआ अपने घरों पे, जो ध्वज लगाया हुआ है, वह कहीं कहीं हिंदू विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। तो राम का भी चुनाव तो दूर है, अभी सूचना लगी हुई है, नामांकन की तिथियों घोषणा होनी है, नामांकन शुरू होंगे, लेकिन जो भगवा का मामला है अभी से मैदान में आ गया है। एक समाजवादी पार्टी इस पर एतराज कर रही है, हो सकता है 2 दिन में निर्वाचन आयोग के पास जाए और अपना लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग को दे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे लखनऊ और जितने भी हाईवे हैं सब जगह पर राम, भगवान राम के होल्डिंग लगवाई हुई थी 22 जनवरी को, जो होल्डिंग अभी लगे हुए हैं वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, अभी नगर निगम ने उनको उतारा भी नहीं है अयोध्या हाईवे पर जो लगे हुए हैं, लगभग 12 से 13 जिले इससे प्रभावित होते हैं, और समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाह रही है, लेकिन वह जान रही है कहीं यह मुद्दा उठाएं तो उनके लिए उल्टा भी न पड़ जाए। इस नाते दबी जुबान से भी पार्टी के भीतर खाने चर्चा हो रही है कि इस मुद्दे को कैसे निर्वाचन आयोग के पास ले जाया जाए, क्योंकि यह पोस्टर हटाने बहुत जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार राम को लेकर जिस तरह सियासत करती है कहीं कहीं यह पोस्टर और यह भगवा झंडा उसकी मदद करेंगे। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव जिस तरह से नारा दे रहे हैं पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वह कितना परवान चढ़ता है, और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है यह कितना परवान चढ़ती है देखने वाला बात होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीडीए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आमने सामने है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग जबरदस्त है, बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता तैयार है,
पन्ना प्रमुख तैयार है और गठबंधन कांग्रेस के साथ है यूपी में समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी भी मजबूती से लड़ रही है, अपने प्रत्याशी उतार रही है, अपने मोर्चे खोल रही है, सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से अकेले मैदान में है वह कहीं कहीं इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है और कांग्रेस में जो विलंब हो रहा है टिकट वितरण को लेकर ये भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की स्थिति में दिख रहे हैं। जी त्रिशक जी, राघवेंद्र जी, तो ये तमाम बातें तो एक तरफ हैं ही, लेकिन इससे पहले जो जिक्र आपने किया था कि इस बार सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इस बार चुनाव वो रायबरेली से नहीं लड़ेंगे, तो क्या लगता है क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? क्या कांग्रेस को ये लगने लगा है कि एंटी इनकम्बेंसी भारी हो रही है, या क्या कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटों से दिग्गजों को चुनाव लड़ाने में सक्षम नहीं समझ रही? देखिए तिशा जी, सोनिया गांधी जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों का और उम्र का हवाला दिया था और कहा था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसी नाते वह राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं, सदन में रहेंगी, राज्यसभा में रहेंगी। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि रायबरेली में किसको उतारा जाए, अमेठी में किसको उतारा जाए। चूंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और कांग्रेस ने भी एक अंदरूनी सर्वे कराया है कि गांधी परिवार को लेकर रायबरेली और अमेठी की जनता क्या सोचती है, उसमें भी बहुत सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति यहां चुनाव लड़ता है तो उसे कांटे के मुकाबले में हार या जीत दोनों में से किसी का सामना करना पड़ सकता है। अभी जिस तरह से पहले माहौल हुआ करता था कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ उसके सामने कोई चुनौती नहीं रहती थी और समाजवादी पार्टी भी अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी नहीं उतारती थी, यही हाल बहुजन समाजवादी पार्टी का था, वह गांधी परिवार के प्रति सहानुभूति रखते थे और इनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं देते थे। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है, अमेठी में स्मृति ईरानी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, वो लगातार राहुल गांधी को चुनौती दे रही है, हिम्मत है तो अमेठी से लड़कर दिखाएं। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, वहां उनका नाम ऐलान कर चुका है, कल किया जा चुका है, लेकिन अगर अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं तो फिर वही पुरानी बात सामने आएगी कि अगर चुनाव जीतते भी हैं राहुल गांधी तो अमेठी को छोड़ देंगे, वायनाड में ही सांसद बने रहेंगे। तो कांग्रेस के सामने कई दिक्कतें हैं और प्रियंका गांधी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के पदाधिकारी ही संतुष्ट नहीं है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। चूंकि जो मेरे सूत्र बताते हैं प्रियंका गांधी ने साफ मना कर दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, वह कंपेनिंग करेंगी और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो रणनीति है वह उसे कितना फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का कोई प्रत्याशी नहीं रहता है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगभग 32 साल से सत्ता से बाहर है, उसके संगठन दामादोल है, प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं कहीं कांग्रेस को दिक्कत होगी। जो एक संबल मिलता है, बड़ा नेता है, वह स्टेट में लड़ता है तो एक तरह से माहौल बनता है। इसी नाते प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में बनारस का रुख किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि गुजरात में उनके लिए बहुत कुछ है, गुजरात में वो जीत रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश को साथ लेंगे तो जीत आसान हो जाएगी, इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश आए थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कभी गढ़ रहा है, इस तरह से कांग्रेस बिखरी है, पहले फूलपुर था फिर प्रयागराज में कांग्रेस अगड़ रहा, लेकिन ये दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस के हाथ से जा चुकी हैं। अब अमेठी रायबरेली जो बची हुई है अगर इस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है तो कहीं कहीं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। जी तिशा जी, जी राघवेंद्र जी, इन सभी बातों में एक सबसे अहम मुद्दा ये भी है ईवीएम, ईवीएम का भी बहुत बड़ा रोल है। जब भी कांग्रेस हारती है, हार का सामना करना पड़ता है, तो हमेशा कांग्रेस और कांग्रेस के सभी नेता बीजेपी को जवाब देने के लिए अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ देते हैं। देखिए तिशा जी, ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, जब भी चुनाव आता है ईवीएम मुद्दा बनता है, इस बार चुनाव से पहले ही मुद्दा बना है, जबकि हर बार चुनाव परिणाम आने के बाद मुद्दा बनता था। निर्वाचन आयोग ने कल भी कहा है कि जिस भी राजनीतिक दल को कोई भी संशय है वह आए अपने शंका का निवारण करे, और निर्वाचन आयोग से कई बार कहा गया कि ईवीएम को लेकर जो डेमो दिखाया गया था उसमें तमाम राजनीतिक दलों को इनवाइट किया था, केजरीवाल तक को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोई दल उस समय अपने एक्सपर्ट लेके वहां नहीं पहुंचा। जो सवाल लोग बाहर उठाते हैं वह निर्वाचन आयोग के सामने कभी नहीं उठाए। हाँ, ईवीएम मुद्दा बनता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कांग्रेस जीतती है तब मुद्दा नहीं होता है, समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई तब ईवीएम मुद्दा नहीं बना, अभी हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीती तब ईवीएम का मुद्दा नहीं बना। देखिए ईवीएम में मुद्दा है और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर इस तरह के सवाल चुनाव पे उठते हैं तो कहीं कहीं सेहत के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो विपक्ष का व्यक्ति हो चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, हर सवालों का जवाब देना चाहिए। अब निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष के लोगों को कैसे संतुष्ट करता है, क्योंकि अगर कहीं सवाल उठते हैं
तो उन सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। और इतने बड़े लोकतंत्र में पूरी दुनिया की नजरें भारत के चुनाव पर लगी रहती हैं, उसमें अगर विपक्ष के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे तो यह ठीक नहीं है। अब पूरी दुनिया में एक हंसी हसारत का सामना करना पड़ता है, तो अब देखना होगा विपक्षी दलों को, निर्वाचन आयोग, सबको मिलकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अगर कोई शक, कोई गुंजाइश बचती है तो उसे भी दूर किया जाना चाहिए। हालांकि जब पिछला चुनाव आया था तो तमाम लोगों ने शिकायत की थी, तो वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव परिणाम सामने निकल कर आते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।